दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के एक ताजा अपडेट सामने आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड 3 फरवरी से 2 चरणों में आयोजित करेगा प्रैक्टिकल परीक्षा। तो इस पूरी खबर की जानकारी आगे इस वीडियो में आपको देंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, जिससे कि आप देख सकें आने वाली वीडियो सबसे पहले। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्या कांत शुक्ल ने प्रायोगिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि प्रायोगिक परीक्षा मंडलवार 2 चरणों में आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें कि पहले चरण की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होंगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा 13 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक चलेगा। इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए यूपी बोर्ड परीक्षकों की तैनाती करेगा, तो वही हाई स्कूल में अतिरिक्त मूल्यांकन प्रधानाचार्य के माध्यम से कराया जाएगा। दरअसल प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए कुल अंक 50% इंटरनल एग्जामर की ओर से दिया जाएगा, बाकी 50% बाहरी परीक्षक द्वारा दिया जाएगा। कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम नैतिक योग्य खेल एवं शारीरिक शिक्षा स्कूल प्रिंसिपल की देखरेख में आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि स्वरूप शुक्ल ने अपने आदेश में कहा कि परीक्षाओं में सामाजिक दूरी बनाए रखे, साफ सफाई सुरक्षित करने के लिए परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की कार्रवाई की एक रिकॉर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल के पास होनी चाहिए। दोस्तों और भी ऐसी ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, जिससे कि आप देख सकें आने वाली वीडियो सबसे पहले।